फ्रेंड्स, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो है, हम करने वाले 38 कटोरी ब्लाउज की कपड़े पर कटिंग। तो फिर चलिए जल्दी से जल्दी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले 38 चेस्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेंथ। हमारे ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच है, तो प्लस उसमें हमें 1 इंच मिलाना है। 14 इंच पर मार्क करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब लेते हैं शोल्डर। शोल्डर हमें लेना है, 38 चेस्ट है इसलिए लेंगे हम शोल्डर 5.5 इंच। गले की ब्रॉडनेस लेंगे हम यहाँ पे 2.25 इंच। शोल्डर जो है वो बनकर हो जाएगी 2.5 इंच की। सबसे पहले हम बैक साइड बना रहे हैं। अब लेते हैं आर्म होल। आर्म होल हमें लेना है 6.25 इंच पर। यहाँ पे 6.25 इंच तो चेस्ट है 38, तो उसका 1/4 आएगा 9.5 इंच। यहाँ पे 9.5 इंच और प्लस इसमें हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन देनी है, या फिर आप 1.5 इंच भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 2 इंच दे रही हूँ। अब लेते हैं नीचे की साइड। नीचे कमर है हमारी 32 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 8 इंच पर। यहाँ पे 8 इंच, इसमें 1 इंच हमें लेना है बैक टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करनी है। अब लेते हैं बैक साइड का गला। बैक साइड का गला हमारा है 9.5 इंच, तो प्लस उसमें हमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, जो कि हमारा शोल्डर के सिलाई में जाने वाला है। यहाँ पे 10 इंच पर मार्क किया और नीचे से ही गली की जो ब्रॉडनेस है वो मैं लेने वाली हूँ 3.25 इंच पर। यहाँ पे 3.25 इंच इस लाइन को जोड़ना है यहाँ से यहाँ तक। लाइन को भी हम जोड़ देते हैं। अब लेते हैं आर्म होल। आर्म होल लेना है हमें 1.25 इंच पर। यहाँ पे 1.25 इंच मार्क किया। अब हमें स्लीव की गोलाई देनी है, तो इसका हमें हाफ करना है। 6.25 इंच है, इसका हाफ करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे और यहां से हमें राउंड शेप देना है। और इधर की साइड में हमें 0.5 इंच नीचे लेना है इस तरह से। बैक टक्स लेने वाली हूं मैं 4.5 इंच पर। यहाँ पे 4.5 इंच और ऊपर की साइड में भी 4.5 इंच। दोनों साइड में 0.5 इंच। तो ये हो गई हमारी बैक साइड, इसको अब हम कट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट साइड पहले पेपर पर कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया है और मैंने ली है यहाँ पर ये बैक साइड। यहाँ पे हमारा जो कपड़ा फोल्डिंग पे है, इधर के साइड में हमें कपड़ा फोल्डिंग पे लेना है और फिर हमें 0.5 इंच इधर की साइड में मार्जिन छोड़नी है और इसके आगे से हमें मार्किंग करनी है। जो तैयार लेंथ है वो लेनी है और प्लस उसमें हमें 1.5 इंच में लाना है फ्रंट साइड के लिए और बैक साइड के लिए 1 इंच। यहाँ पे 0.5 इंच मैंने ऐड कर लिया है। मैं इसको सभी तरफ से मार्किंग करना है। तो ये इस तरह से हो गया हमारा फ्रंट साइड का जो गला है वो ऊपर से है 2.25 इंच। यहाँ पे मार्क करेंगे 2.25 इंच पर। और हमारे फ्रंट साइड का जो गला है वो है 6 इंच का, तो प्लस उसमें हमें 0.5 इंच मिलाना है। 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से गले की ब्रॉडनेस लेंगे 3.5 इंच पर। हमने बैक साइड में भी 3.5 इंच लिया है और फ्रंट साइड में भी हमें उतना ही लेना है। अब इसको भी हम
तरह से यहाँ पर राउंड शेप दे देते हैं। यहां से हमें आधा इंच नीचे आना है, यहाँ पे आ गए और फिर हमें यहां से राउंड शेप देना है। यह आ गया फ्रंट साइड का आर्म होल का शेप। अब लेते हैं नीचे, नीचे की ओर पट्टा ब्लाउज है वो हमारा 38 इंच का है, तो इसमें कप साइज जो है वो बड़ी है, तो उनको नीचे की जो पट्टी होती है वो हमारे कस्टमर को छोटी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 इंच लेने वाली हूँ। यहां से इधर के साइड में 2 इंच ऊपर, इधर से भी 2 इंच ऊपर और फिर इसको जोड़ लेते हैं। पहले अब हमारा यहां पर हुक और लूप्स की पट्टी आएगी, तो यहां पर हमें और 1 इंच ऊपर लेना है और यहां से हमें कोटरी का हमें यहां पर राउंड शेप देना है, थोड़ा छोटा सा इस तरह से। अब बनाते हैं कटोरी। तो कटोरी के लिए हमारे चेस्ट है 38, तो हमें यहां से इधर की साइड में, मतलब हमारी जो हुक की पट्टी आएगी वहां से उधर की साइड में हमें लेना है 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पर मार्क किया, आर्म होल से इधर की साइड में लेने वाली हूं मैं 1.25-2 इंच, आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पर मार्क किया और फिर यहाँ का हमारा जो गला है वहां से नीचे से ऊपर हमें 1 इंच पर मार्क करना है, यहाँ पे 1 इंच। अब हमें इन तीनों पॉइंट को जोड़ना है। इस तरह से तो ये हमने बना लिया है। अब इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट साइड के पार्ट कट करके रेडी है। नीचे की हमने जो योग पट्टी बनाई है वो हमें कपड़े पर कट करते वक्त सिलाई मार्जिन ऐड करनी है इसमें, मतलब इधर की साइड में 1/2 इंच और इधर की साइड में 1/2 इंच। अगर आपको सिलाई मार्जिन थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आप आधा आधा इंच भी छोड़ सकते हो और फिर आपकी जो योग पट्टी है वो आपकी पूरी तरह से 2 इंच की हो जाएगी। अगर आप इसी तरह से कपड़े पर रखकर इसी साइज में अगर कट करोगे तो आपकी जो नीचे की योग पट्टी है वो आपकी बहुत छोटी हो जाएगी। ये मैंने प्लेन पेपर लिया, इसको ऐसे रखेंगे, सभी तरफ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें इसके दोनों साइड में 1.5 इंच बढ़ाना है। यहां से यहां तक का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है, ये 6.5 इंच, तो इसका हाफ आएगा 1.75 इंच पर। यहां से नीचे लेंगे 1.5 इंच पर। अब हमें इन तीनों पॉइंट को जोड़ना है क्रॉस लाइन। हमारे यहाँ पर लूप्स की पट्टी आएगी। अब हमें इस राउंड के, ये जो हमने कटोरी का शेप दिया है, इसके हमें 4 पार्ट करने हैं। यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा लेते हैं, सिर्फ हमें यहाँ पर 1/2 इंच ही बढ़ाना है। यहाँ पर 1/2 इंच, यहां पर 1.5 इंच
और यहाँ पर एक इंच। अब हमें इन सभी पॉइंट को जोड़ना है। इस तरह से आप कटोरी बढ़ा सकते हो बहुत आसान तरीके से। अब हम इसे भी कट कर लेते हैं। तो ये हमने कटोरी बढ़ा ली है। अब हम इसको कपड़े पर रखकर कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट किए हैं फ्रंट साइड के पार्ट। अब कट करते हैं स्लीव्स। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा जो है वो डबल फोल्ड पे लिया है, ये देखिए। तो सबसे पहले लेते हैं लेंथ स्लीव्स की। स्लीव्स की लेंथ है 9 इंच और प्लस उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है, मतलब हो गया ये 10 इंच। 10 इंच पर हमें ये मार्किंग करना है। यहाँ पे 10 इंच। तो हमारी ब्लाउज की चेस्ट जो है वो है 38 बराबर। उसका वन फोर्थ आ गया 9.5। माइनस इसमें से हमें 0.5 करना है, तो ये आ गया 9 इंच। प्लस इसमें हमने जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन दी है उसको ऐड करना है, ये आ गई 11 इंच। माइनस इसमें से हमें और 2 करना है, मतलब ये आ गई 9 इंच पर। तो हमें यहां से यहां तक लेना है 9 इंच पर। यहां से आर्म होल की गहराई लेनी है। मैंने आपको बताया था अगर स्लीव्स की लंबाई 6 होगी या फिर 7 होगी तो हमें आर्म होल की गहराई 3.5 इंच पर लेनी है। यहां से नीचे यहां पे 3.5 इंच। अब यहां से ऐसे हमें क्रॉस लाइन देनी है। इस तरह से इधर की साइड से हमें 2 इंच छोड़ना है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे सिलाई मार्जिन, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन दी है इसका हमें हाफ करना है, तो ये आ गई 10 इंच का। इसका हाफ आ गया 5 इंच यहाँ पर। अब हमें ये जो हमने पॉइंट दिया है इसके दोनों साइड में हमें पर मार्क करना है, मतलब इधर के साइड में 4 लाइन और इधर के साइड में 4 लाइन। इस तरह से यहां से इधर की साइड में 1 इंच तक हमें ऐसा ही रखना है और फिर हमें इसे स्लीव्स का आकार देना है। यहां से आ गई पीछे की साइड और फिर आ गई अंदर की साइड। अब हमें लेनी है स्लीव्स की गोलाई। तो स्लीव्स की गोलाई है 11.5 इंच, तो उसका हाफ आ गया 4.25 इंच पर। यहाँ पे 4.25 इंच पर मार्क किया और प्लस इसमें हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन लेनी है एक्स्ट्रा यहाँ पर। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ये साइड हमारी पीछे आएगी और हमें यहाँ से
और ये जो दूसरी, और फिर यहां से भी हमें एक कट करना है। ये आ गई आगे की साइड, तो हमारे यहां पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हमारी पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो फिर कैसा लगा वीडियो? आप अगर वीडियो के एंड तक आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।